हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टेक्निकल एमके में आपका फिर से स्वागत करता हूं गाइस। तो गाइस, आज की वीडियो है कि टेक्नो मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग किस तरीके से अनेबल करते हैं गाइस। जी हां, अगर आप भी टेक्नो मोबाइल का यूज़ करते हो, कौन सा भी टेक्नो मोबाइल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपका टेक्नो स्पार्क 2 हो, चाहे आपका टेक्नो को 2020 हो, चाहे कौन सा भी आपका फ़ोन हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका टेक्नो मोबाइल होना चाहिए गाइस, है ना। आपका कोई सा भी फ़ोन हो, हमें उसमें बताएंगे कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग किस तरीके से करती है। सिर्फ आपको सेटिंग का विशेष ध्यान रखना है गाइस। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बगल में बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मेरे टेक्नो मोबाइल में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो रही या नहीं गाइस। चलिए गाइस, डायल पैनल में चले जाते हैं गाइस। मैंने डायल पैनल ओपन कर लिया है और यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर लगा के देख लेते हैं गाइस, 198। तो गाइस, मैंने कस्टमर केयर का नंबर लगा दिया है और यहाँ पे डायल कर ले। चलिए गाइस, मैंने डायल कर दिया गाइस। तो गाइस, यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो गाइस, आप इस पे स्टार्ट करोगे तभी आपकी ये रिकॉर्ड होगी, लेकिन आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी गाइस। तो इसको हम कट कर देते गाइस। इससे गाइस क्या होता है, इससे होता है कि अगर कोई अननोन नंबर से आपको कॉल करता है तो उसकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। बाय द वे, आपको ध्यान होगा तभी आप उस पर ऑटोमेटिक कॉल को कर पाओगे गाइस। और आपको ऑटोमेटिक कॉल हमेशा के लिए ऑन करनी है गाइस। तो गाइस, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको डायल पैनल में चले जाना है। डायल पैनल में चले जाने के बाद गाइस, आपको राइट हैंड साइड में देखने मिल रहा है 3 डॉट मिल जाती हैं। अगर 3 डॉट नहीं मिलती हैं तो गोले जैसा सिंबल बना है उस पर आपको टिक कर लेना है। टिक हो जाने का गाइस, कुछ इंटरफेस आपको इस तरीके से नज़र आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देखने मिल रहा है अनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। तो गाइस, इस पर भी आपको टिक कर लेना है गाइस। इस तरीके का हो जाएगा ब्लू सिंबल। तो गाइस, इसको आपको कट कर देना गाइस। कट करके देख लेना है कि मेरी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो रही या नहीं। चलिए गाइस, मैं यहाँ डायल पैनल में चले जाते हैं और 198 कस्टमर केयर का नंबर लगा के हम देख। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो गाइस, देखो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट हो चुकी है गाइस। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है गाइस, कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई गाइस, है ना। तो आपके जो भी अननोन नंबर से कॉल आएगी वो भी ऑटोमेटिक कॉल स्टार्ट रिकॉर्ड हो जाएगी गाइस। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो गाइस। तो उम्मीद करता हूँ गाइस, जो जानकारी आप जानना चाहते थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक टेक्निकल एमके में बाय।